रात को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, हम ज़्यादा देर भी नहीं सोए हैं, थोड़ी देर ही सोए हैं और आंखें देखो कैसी सूजी सूजी सी हो गई है। हे गाइस, आज डे टू है और अभी हम रेडी होके जा रहे हैं। मेहंदी होगी और शाम को क्या होगा, सहराबंदी होगी शाम को, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, जितना जितना करूँगी वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आज सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है, बट अभी फिर से उमस भरा गर्मी वाला मौसम हो गया है। तो अच्छा, मेरे तो वेरी नाइस है ना, मेरी भी वेरी नाइस है, इससे ज्यादा नाइस है। देख लो किस हद में हो चुका है। अब देख मुझे आवाज लगा के ना, देखो इधर को करो, फिर देखो इधर को करो, ये छोड़ दिया हो, देखो किस ऐसे होता है, ऐसे देखो ऊपर तेरे को लाइट पड़ रही है ना, लो ये देखो मेरे पे लाइट पड़ेगी, मैं भी अच्छी दिखूंगी। हमारी फेस वीडियो बना रही है। मेहंदी की रस्म स्टार्ट होगी और इस बार जो है वो मेरे जो मतलब ड्रेस कोड है वो बिल्कुल भी अनमैच, बिल्कुल अनमैच था। पता नहीं मैं क्या बोली जा रही हूँ। मैंने जो सोचा था वो हल्दी में भी मैं पहन नहीं पाई और मेहंदी के लिए तो मैं लेके ही नहीं आई थी, और यहाँ पे हमको काम मिला कि मेहंदी लगानी है थी वहाँ पे, मतलब उन्होंने गर्ल्स बुलाई थी मेहंदी लगाने, बट सुना ली थी और मेरी ड्यूटी भी लगी मेहंदी लगाने की, अगर तुमको आती है तो लगाओ। स्टार्टिंग में तो मैंने इतनी गंदी मेहंदी लगाई, स्टार्टिंग का फर्स्ट हैंड मुझसे अच्छा लग गया था, उसके बाद मैंने सोई ही मेहंदी लगाई और फिर मैंने अंकू के मेहंदी लगाई, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। बस ऐसी नहीं, वो भी अच्छी लगा रही हैं, फुल हैंड वो तक जो है। बैक दिखाओ, बैक दिखाओ, बैक दो, ये लगाई है मैंने, बैक वाली अच्छी दिख रही है। चलो हॉर्न बजा रहे हैं, अभी हम घर जा रहे हैं और शाम को सहराबंदी की रस्म के लिए आएंगे तैयार होके। आधी अधूरी मेहंदी लगी, आधी घर में लगाएंगे। तो देखो सुनाली दी बारात की तैयारी, अभी उनको सहरा लगेगा ना शायद, इसलिए नेक्स्ट डे हो चुका है, हम बारात में जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ मैं आपको, फॉगी फॉगी सा हुआ है, बारिश हो रही है। ये देखो कैसा मौसम हुआ है, हम कुफरी जा रहे हैं और अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए सब लोग, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है।
हेलो कराओ भाई जी, हेलो कराओ उससे भाई जी, हेलो कराओ उससे, हेलो व्हाट आप नंबर आप करा लो अपने हाथ पे। सोलन और यहाँ पे शूलिनी मेला आज से स्टार्ट हुआ है और ये माता रानी की झांकी निकली होगी इधर, तो इधर भी प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है, आगे जाने की हिम्मत नहीं और मेरा फ़ोन भी कितना ब्लर लग रहा है, साफ़ कर लेती हूँ पहले। अरे यार अभी भी गंदा ही दिख रहा है। हे गाइस, सो मैं पहुंच गई थी शादी से वापस और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, साथ में शूलनी फिर भी चला था तो क्राउड इतना ज़्यादा था ना कि रूम बाईपास से रूम तक आने में 15-20 मिनट का टाइम लग गया क्योंकि एंट्रीज वगैरह बंद थी, ट्रैफिक वगैरह बंद था। हम गौरा से मिलने भी गए थे शिमला में, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सारे लोग थे ना, उसको अनकम्फर्टेबल सा हो गया था वहाँ पर, तो फिर मैंने वहाँ पर कुछ शूट नहीं किया। बट अच्छा लगा गौरा से मिल के, अभी तो और ज़्यादा याद आ रही है उसकी, हम शायद जल्दी ही मिले गौरा से। तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।